डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए, आज हम आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर का सेकंड सेमेस्टर बीएड का सॉल्व प्रैक्टिकम, जो कि आपका पूरा सॉल्व किया हुआ है, और ये है आपका बंगला वर्सन में। यानी कि अगर आप बंगाली स्टूडेंट है, यानी कि आपका बंगला मेथड है, या फिर आप बंगला में अपना पेपर को देते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और पूरा देखने के बाद इसको देख के आप अपना घर में बैठे आराम से इस प्रैक्टिकम को देख के बना लीजिए और अपना कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। तो पूरा वीडियो का आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रैक्टिकम बनाया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकम है, और कैसे लिखा गया है। आप हूबहू इसको देख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं लिखने के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट का है, और ये जो है आपका टॉपिक क्या है इस प्रैक्टिकम का। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये फ्रंट पेज प्रैक्टिकम का। तो आपको पता ही होगा कि हम जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, सारा वीडियो में हम बताते आ रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकम का जो फ्रंट पेज है वो कैसे बनाना है, किस प्रकार से इसको आपको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो देखिए, ये आपका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है, और अपना सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर है वो लिखना है, प्रैक्टिकम है वो प्रैक्टिकम लिखना है, अपना रोल नंबर, अपना नाम, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड, सारा कुछ आपको इस फ्रंट पेज में लिखना पड़ता है। तो आपको हम सारा वीडियो में इसी तरह से बताते आ रहे हैं कि फ्रंट पेज कैसे रेडी करना, और ये प्रैक्टिकम आपको कौन सा पेज में लिखना है। तो आपको पता ही होगा, ये इसमें ये फोर साइज लेना पड़ता है, वाइट पेज, उसी में आपको प्रैक्टिकम को बनाना पड़ता है, और इसमें ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन आप यूज कर सकते हैं पूरा प्रैक्टिकम को बनाने के लिए। तो देखिए, आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस सब के बारे में, मेन टॉपिक पर आते हैं आज का प्रैक्टिकम के ऊपर। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकम है आपका फ्रंट पेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज आप कैसे रेडी कीजिएगा वो बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ बर्धमान, यानी कि ये एक सैंपल के तौर पे, यानी कि आपको डेमो के तौर पर हम दिखा रहे हैं। ये इस तरह से आपको बनाया जाता है फ्रंट पेज, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, उसी को हम लेके आए आपको सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए, वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर में लिखे हैं, तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम के जगह आप अपना कॉलेज का नाम को इस तरह से डिजाइन करके लिख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम को यहाँ नीचे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, उनका कॉलेज का नाम लिखा गया, ये कॉलेज का नाम वो नीचे पे लिखे हैं। तो आप चाहे इसको ऊपर में लिखिए और यूनिवर्सिटी को नीचे में लिखिए, जैसे आपका इच्छा, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये है क्या, ये प्रैक्टिकम है, तो वो प्रैक्टिकम लिखा गया। कौन सा सेमेस्टर का, सेमेस्टर टू का है, वो सेमेस्टर टू लिखा गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखना अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कौन सा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना। तो आप थोड़ा यहाँ पे डिज़ाइन करके अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखिएगा, आप ऊपर में पहले सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट में आपका देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट वन, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कोड भी आप सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, कोर्स इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अपना नाम, पता सब लिखिएगा बॉक्स बना के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आपका कोर्स का कोड क्या है, कोर्स कोड है ये आपका 7A, 7A कोर्स कोड का ये प्रैक्टिकम है। तो आप इस प्रकार सारा कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस तरह से फ्रंट पेज आपका रेडी हो जाएगा। ये आप हाथ से भी डिज़ाइन करके बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको कंप्यूटर से डिज़ाइन करा के, प्रिंट करा के अपना फ्रंट पेज पर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज आता है। फर्स्ट पेज में देखिए कुछ वाक्य लिखा गया है बंगला में, तो वो इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, नीचे आता है टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम कुछ शेयर कर देते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप अभी तक अपना प्रैक्टिकम और असाइनमेंट नहीं बनाए हैं सेकंड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का, जो भी आप जिस भी क्लास में हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जिसमें है, अगर आप नहीं बनाए अभी तक अपना प्रैक्टिकम, तो आप जाइए मेरा चैनल पे, वहाँ देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको बीएड प्रैक्टिकम, बीएड सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू प्रैक्टिकम बोल के आपको मिलेगा। वहाँ पे आप देख के आप आराम से वहाँ पे देखिए, बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है प्रैक्टिकम का, आपका सॉल्व पेपर का। यानी कि मान लीजिए, अगर आपको एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारा टॉपिक रहता है जिसमें आपको प्रैक्टिकम बनाने के लिए कहा जाता है, तो एक सब्जेक्ट में 4-5-6 वीडियो या फिर 10 वीडियो आपको मिलेगा अलग अलग टॉपिक का। तो आप उसमें से जो टॉपिक आपको अच्छा लगा, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करके उसको देख के आप अपना आराम से प्रैक्टिकम को बना सकते घर बैठे। तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा टॉपिक का आपको ज़रूरत है, वो टॉपिक आप वहाँ से अपना सेलेक्ट करके लिख लीजिए।
तो देखिए उस तरह से आप लिख लीजिएगा। और देखिए ये आज का टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आज का है आपका फोसी एनालिसिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये आपका आज का टॉपिक है इस प्रैक्टिकम का। क्या है इस प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट का नाम, वो भी देख लीजिए आप। ये सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, और इस कोर्स का क्या कोड है 8A, यानी कि 8A कोर्स का आपका ये प्रैक्टिकम है। 8A प्रैक्टिकम का देखिए ये टॉपिक है आज का। इस टॉपिक पे ही आपका आज का प्रैक्टिकम पूरा बनाया गया है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इस प्रैक्टिकम में। तो देखिए पूरा प्रैक्टिकम जो है आपका बंगला में है। तो अगर आप बंगाली स्टूडेंट है, यानी कि बर्धमान यूनिवर्सिटी से या वेस्ट बंगाल का कोई भी यूनिवर्सिटी से, या WBUTT से कर रहे हैं, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो इसको देख के आप आराम से आसानी से लिख लीजिए और अपना कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए हम धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, आप आराम से देखते जाइएगा और इसको लिखते जाइएगा। तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके और देख के लिख लीजिए। और एक चीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीएड रिलेटेड जितने भी अपडेट होता है आपको सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। जैसे एग्ज़ाम रिलेटेड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, सारा कुछ इस वीडियो में इस चैनल पे आपको मिलता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड का स्पेशल वीडियो आपको बीएड रिलेटेड इस चैनल पे मिलता है। तो अगर आप झारखंड से भी है तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड और बंगाल का ही बीएड रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलते हैं। और असाइनमेंट का सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको उसमें एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा आप मेरे चैनल को, तो थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो हम इस प्रकार का और भी वीडियो आपके लिए बना बना के लाते रहेंगे और आपका हेल्प करते रहेंगे, अगर आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि ताली दोनों हाथ से बजना चाहिए, एक हाथ से बजेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक हाथ से ताली बजता ही नहीं तो अच्छा क्या लगेगा। इसीलिए आप भी हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इस तरह से और भी वीडियो बना बना के लाते रहेंगे। तो देखिए ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको देख के लिखते जाइए इस प्रकार से। और देखिए इसमें अगर आपको इस वीडियो में देख के पॉज करके लिखने में अगर दिक्कत होती है, तो आप इसका पूरा PDF फ्री में पाइएगा, पा सकते हैं। आप मेरे चैनल के जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है नीचे, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिएगा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, जो कि मेरा ही ऑनलाइन स्टडी वन टेलीग्राम का चैनल है। वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से आसानी से घर बैठे लिख सकते हैं। आपको उसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ आपको मिलता है, कोई चार्जेस नहीं लगता आपको इस चैनल में। तो देखिए इस प्रकार आप देख के लिख लीजिएगा। और उसमें देखिएगा और एक ग्रुप बना दिए हम टेलीग्राम में, जितने भी व्यूअर हैं मेरे उन लोगों के लिए, कि आप वहाँ पे जाके, जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, कि आप वहाँ पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जिनका जो भी दिक्कत है वो अपने बातचीत करके अपना सॉर्ट आउट कीजिए, और जितने भी एक दूसरे का हेल्प कीजिए और अपना भी काम निकालिए। तो आप उस चैनल को भी, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, उसमें भी आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं और अपना बीएड का प्रैक्टिकम असाइनमेंट बना सकते हैं, वहाँ से भी एक दूसरे का हेल्प लेके। तो देखिए इस प्रकार से आप लिखते जाइए आराम से, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं आपके लिए हम। आप भी इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जैसे लिखा हुआ वैसे ही आप आराम से लिखिए, इसमें कोई आपको चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पता है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, नहीं तो नहीं भी करने से चलेगा। देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं हम धीरे धीरे, देखिए। और आप जरूर से ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे बीएड का प्रैक्टिकम असाइनमेंट रिलेटेड। आप एक बार वहाँ जाके देखिएगा, आपको वहाँ से ज़रूर बहुत सारा हेल्प होगा, और आप उसको देख के, अपना प्रैक्टिकम को देख के आराम से घर बैठे बना लीजिएगा। तो उसमें आप एक बार ज़रूर से चेक कर लें। देखिए इस प्रकार से हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये आपका प्रैक्टिकम है बंगला में पूरा। तो देखिए हम हैं तो बंगाली, लेकिन हमको बंगाली नहीं आता पढ़ने में, यानी कि हम बंगला नहीं जानते पढ़ने, इसीलिए आपको एक एक करके पढ़ के नहीं बता रहे हैं। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी कि हमको हिंदी और इंग्लिश ही पता है, बंगला नहीं पता है, इसीलिए हम पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं क्या लिखा है क्या नहीं। आप अगर बंगाली स्टूडेंट हैं तो खुद ही पढ़ के और अपना देख के लिख लीजिए। हम सिर्फ आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, किसी फ्रेंड से हेल्प लेके आपके लिए ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व प्रैक्टिकम जुगाड़ करके लाए हैं।
तो देखिए इस प्रकार से आप इसको देख के लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी लिखने में इसको देखने में। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख के और कॉलेज में सबमिट कर देना है। अभी देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत सारे कॉलेज का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे कॉलेज का नहीं आया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का भी नहीं आया है, एक एक करके आ रहा है। तो आप वो सब भी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम सारा यूनिवर्सिटी का अपडेट देते हैं इस चैनल के माध्यम से कि कहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी का कब रिजल्ट निकलता है और कब एग्ज़ाम होता है, वो सब भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो आप वहाँ से भी इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सारा अपडेट इसमें पाइएगा आप। तो देखिए ये आपका प्रैक्टिकम यहीं पे था, यहीं तक था, यहाँ पर देखिए ख़त्म होता। और आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप प्रैक्टिकम में ये आपका सबमिट किया हुआ प्रैक्टिकम है प्रीवियस ईयर का, देखिए कॉलेज द्वारा साइन किया हुआ है, यहाँ टीचर द्वारा चेक किया हुआ ये प्रैक्टिकम है। देखिए यहाँ पे लिखा है 17/9/2019, यानी कि 17/9/2019 को ये कॉलेज में सबमिट किया गया है प्रैक्टिकम। और ये प्रैक्टिकम पूरा एकदम जेन्युइन है, आप इसको देख के आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई फेक नहीं है। तो आप देख के ही समझ गए होंगे। और देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए और भी इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, अन्यथा आप अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा आपका हेल्प करने में। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता लेकिन हमें इसमें बहुत टाइम लगता है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और इस इतना मेहनत करके हम आपके लिए ये बना के लाते हैं। तो चलिए आई होप कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आज का वीडियो फ्रेंड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।